नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। एक युवक जो कि हेड इंजरी करके ट्रॉमा सेंटर के में भर्ती हुआ था और बाद में कोविड पॉजिटिव आने पर बीएचयू के कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर हो गया था। ये इस पेशेंट का हम लोगों ने इलाज किया, कोविड इलाज में ये काफ़ी कुछ ठीक हो गया था और काफ़ी कॉन्शियसनेस लेवल इसका काफ़ी कुछ ठीक हो गया था। हम इसके रिपोर्ट के नेगेटिव होने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी ये परसों अचानक से गायब हो गया। अस्पताल प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी लोगों ने बहुत खुजाई करी, पुलिस को इसके तत्काल सूचना दी गई और विभिन्न जगहों पर इसकी अस्पताल के प्रशासन ने और कर्मचारियों ने खुजाई शुरू करी, संपर्क इसके रिश्तेदारों से और क्लोज रिलेटिव से बना करके रखा। सीसीटीवी फुटेज को बहुत खंगाला गया और उसमें भी सर्च किया गया पेशेंट को, और एक जगह जब क्लू मिला तो उस जगह बहुत गहराई से जांच करने पर पता लगा कि जो एक डक्स जहां से जा रही थी वहां से उसने उतरने की कोशिश करी, उन डक्स के टूटने की वजह से वो नीचे फर्श पे गिरा और उसकी ऐसा लगता है कि वहीं पर मौत हो गई। ऐसा लगता है कि क्योंकि ये हेड इंजरी का पेशेंट था, इसको भी मनोविकार की एक प्रॉब्लम रही और उसी दौरान इसने वहाँ से डक के थ्रू एक बिल्कुल क्लोज लूप में भागने की वहाँ से कोशिश करी या अस्पताल में नीचे उतरने की दूसरी मंजिल से कोशिश करी, जिसमें जिसका दुष्परिणाम इसकी मौत के रूप में सामने आया। बॉडी को तत्काल मॉर्चरी में भेज दिया गया है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।